हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स बैक इन आरती जोमेटो में रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, ताकि इन फ्यूचर आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो बिना देरी के आज की जो रेसिपी है बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं लौकी मटर। लौकी मटर बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम लौकी को मैंने छील करके धो करके और काट लिया है। जैसे हम आलू काटते हैं वैसे ये मैंने मटर लिया है। हाफ कप मैंने ये मटर लिए हैं। इसके बाद मैंने एक बड़ा टमाटर जिसे बारीक चॉप कर लिया है, और उसके अलावा हम 2 हरी मिर्च लेंगे जो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, जिसे हमने बारीक काट के ले लिया है, और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ जिसे हमने बारीक बारीक काट करके उसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने लहसुन का पेस्ट बनाया है उसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच ऐड कर देंगे। इसके बाद हम हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच और नमक हम इसके अंदर स्वादानुसार ऐड कर देंगे। जब तक हमारा ये मसाला भीग करके होता है तैयार, मसाले हमारे अच्छे से भीग जाएंगे, तब तक हम एक कढ़ाई के अंदर 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल करके गर्म कर लेंगे। ऑयल हो गया है गर्म। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा। जब जीरा हमारा चटकने लगे, जैसे ही जीरा चटकने लगता है उसके बाद हम जो हमने हरी मिर्च ली थी बारीक कटी हुई वो हम इसके अंदर डाल देंगे। हरी मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं भूलनी है। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा पानी डाल करके उसको भी मैंने इस ऑयल में डाल दिया है तड़के के अंदर। अब इसके अंदर हमने जो टमाटर बारीक काट के लिए थे वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से पका लेना है। तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। जब हमारा ये मसाला इस तरह से भुन करके तैयार हो जाएगा, ये इसको बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगने वाला नहीं है। टमाटर को पिघलने में मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगता है अगर आप इसे ढक करके पकाते हैं तो। इसके बाद हमने जो सब्जी ली थी लौकी और मटर, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और लौकी मटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। नमक हमें इसके ऊपर से और डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले नमक कम डाला है तो ही आप ऊपर से नमक ऐड करें, नहीं तो हमने मसाले में पहले ही नमक ऐड कर लिया था जिसकी हमको जितनी ज़रूरत थी उसके हिसाब से। लाल मिर्च पाउडर भी, अगर जैसे आपके पास में लाल मिर्च पाउडर आपका कितना तीखा है कितना कम तीखा है उसके अकॉर्डिंग जैसा कि आपको स्वाद पसंद है वैसा ही डालें। जैसे मैंने बता दिया 1 चम्मच तो जरूरी आप 1 चम्मच ही डालें। लाल मिर्च मेरी थोड़ी कम तीखी थी इसलिए मैंने 1 चम्मच डाली। अब जब तक ये लौकी मटर हमारी पकती है इसे इसके अंदर हम पहले थोड़ा सा पानी डाल देंगे। 1/4 ग्लास मैंने, आप देख सकते हैं ये मैंने पानी लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसे हमें ढक करके 4 से 5 मिनट हमको लगेगा इसको पकने में। तो 5 मिनट हमारा हो गया है और लौकी जो है वो अच्छे से पक करके हो गई है तैयार, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका थोड़ा ट्रांसपेरेंट सी हमको दिख रही है ये। तो इसे हमने फिर से एक बार मिक्स कर लेना है, और इसके अंदर हम जो हमने हरा धनिया हमने इसके अंदर बारीक काट करके वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। गैस हम कर देंगे बंद। तो लौकी मटर हमारी बन करके हो गई है तैयार। आप भी इस रेसिपी को, मैंने भी क्या है फर्स्ट टाइम ट्राई किए वैसे तो, लेकिन फिर भी मैंने इसको टेस्ट किया उसके बाद मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से घर पे बनाकर ट्राई कीजिएगा। आपको खाना में बहुत ही डिलीशियस लगने वाली है। सभी घर वालों को आपको आपकी ये जो रेसिपी है वो बहुत ही पसंद आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइज़।